हमने हमेशा, हमने तो आप जानते हैं, हम कोई इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं है, मकामी वजीर आजम था मैं, मकामी। और ये नाकामी वजीर आजम थे, नाकामी। हम मकामी वजीर आजम थे, ये नाकामी वजीर आजम है। आप समझ आई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अभी भी समझ नहीं आई? और आप अंदाजा करें, मैं आपको बिल्कुल सच कहने लगा हूं, सच। और मेरी बात बड़ी गौर से सुने आप, अगर वही दौर हमारा चलता रहता और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना होती, नवाज शरीफ को 5 जज मिलकर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकालते, और नवाज शरीफ की हुकूमत बरकरार रहती, मैं दावे से कहता हूं अल्लाह ताला के फजल व करम से, आप भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं और वो भी सुन रहे हैं जो सामने मकान पे चढ़े हुए हैं, एक भी शख्स इस ननकाना साहब में आज बेरोजगार ना होता, एक शख्स भी बेरोजगार ना होता। स्कूल होता, यूनिवर्सिटियां होती, बच्चे पढ़ रहे होते, माँ बाप रोजी कमा रहे होते, बच्चे अच्छी नौकरियों पे फाइज होते, घरों में खुशहालियां होती, आटा सस्ता होता, आज भी रोटी 4 रुपए की होती, आज भी चीनी 50 रुपए की होती, आज भी बिजली का रेट वही होता जो आज से 10 साल पहले था, आज बिजली के बिल आपको तंग करते हैं या नहीं करते है? बोलो, कितने लोग हैं जो बिजली के बिलों से तंग है? तो हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। देखो सारे जलसे ने हाथ खड़ा कर दिया। ये आपको तकलीफ पहुंची है? आपको नहीं, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। कितने लोग हैं जो गैस के बिलों से भी इस वक्त परेशान है? गैस मुझे बताओ, कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताना। अभी पहले हाथ ना खड़ा करो, पहले सवाल सुनो। ये बताओ कि महंगाई से कितने लोग परेशान हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। ये पाकिस्तान का हशर नवाज शरीफ के जाने के बाद हुआ है? ये पाकिस्तान का, बोलो मैं झूठ बोलता हूं या सच कहता हूं, ये हशर नवाज शरीफ के जाने के बाद हुआ है आपका और पाकिस्तान का? ये झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं, बोलो। तो भाई ये हमें मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है। हम बदलेंगे इंशाल्लाह, इस सारे निजाम को बदलेंगे इंशाल्लाह। और मेरे साथ आपने साथ देना है, मेरा साथ देना आपने। आज मैं आपसे ये वादा लेने आया हूं, बोलो मेरा हमारा साथ दोगे? ये ननकाना साहब है और आप जानते हैं कि हमें बहुत एहतराम है ननकाना साहब का, गुरु बाबा नानक का हमें बहुत एहतराम है, हम दिल की गहराइयों से उनका एहतराम करते हैं। और ननकाना साहब की खिदमत करनी हमारा फर्ज है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम इसको, जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया 8 फरवरी को, अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया खिदमत का, तो ननकाना साहब को हम मॉडल सिटी बनाएंगे इंशाल्लाह। और ननकाना साहब की और ननकाना साहब के रहने वालों की हम बहुत खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। और बुचे की और सैयद वाला सुई गैस की फरामी करेंगे। ननकाना साहब में हाउसिंग कॉलोनी और कच्ची आबादियों के मालिकी के लोगों को मालिकाना हकूक अदा करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे कार्डियोलॉजी सेंटर बनाएंगे, दिलों की बीमारी का अस्पताल बनाएंगे इंशाल्लाह।
बच्चे नौजवान भी सुन लें, कितने हैं यहाँ पे जो, यहाँ पे मैं पूछने लगा हूँ सवाल, जरा गौर से भाई गौर से, कितने हैं बच्चे जो यहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं, जरा हाथ खड़ा करें। नहीं नहीं ठहर जाओ ठहर जाओ, कितने बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जरा हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे करें, माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जरा हाथ खड़ा करें, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं आप भी करें, कॉलेज वाले, कॉलेज वाले बच्चे हाथ कर ऊपर करें, माशाल्लाह। ये तो आधा जलसा कॉलेज में पढ़ रहा है, और उनको मैं कहना चाहता हूं कि हम यहां पर बॉयज डिग्री कॉलेज मंडी फैजाबाद कायम करेंगे इंशाल्लाह, और मोड़ खुंडा और सैयद वाला को मॉडल सिटी का दर्जा दिया जाएगा इंशाल्लाह। और नौजवानों, ये स्कूल के बच्चों जो बैठे हुए और कॉलेज के बच्चों जो यहां बैठे हुए हो, आपके लिए एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट समझते हो, स्टेट ऑफ द आर्ट समझते हो या नहीं समझते? जो समझते हैं वो हाथ खड़ा करें, जो नहीं समझते वो हाथ खड़ा करें। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब के बेहतरीन, और यानी के जिसका कोई मुकाबला ना हो, वो हम आपको यहां पे एक क्रिकेट स्टेडियम बना के देंगे इंशाल्लाह। और सांगला हिल से साया वाला एक्सप्रेसवे इंशाल्लाह हम कायम करेंगे, और शुरू की थी उसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। सिटी सांगला हिल मोटरवे इंटरचेंज रोड पर फ्लाईओवर का क्याम करेंगे, उसको बनाया जाएगा, और सांगला हिल और शाहकोट में पंजाब यूनिवर्सिटी को भी कायम किया जाएगा इंशाल्लाह। तो आज ते फिर भाई ननकाना साहब की मौज ही मौज हो गई, ते सांगला हिल भी नाल ही मौज हो गई। ते यार हुण मेरी गल सुनो गौर नाल, मैं पंजाबी बोल रहे हैं, सरदार जी मेरी गल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सरदार जी हाथ ला रहे ने के मतलब के समझ रहे ने, पंजाबी आंदी है ना तानू? ते इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून वो काम दोबारा करके जाएगी जेडी के तारीख याद रखेगी इंशाल्लाह। और ऐस शहर दे लोग जड़े इंशाल्लाह, मैं वादा करने वाला दे फजलो करम ना इनू मॉडल सिटी बनावा गे ननकाना साहब नू इंशाल्लाह। और मैं आप चक्कर लाया करांगा, आप आया करांगा इंशाल्लाह। इतने तुहानू ये पता होना चाहिए कि मैं ये जो मोटरवे बन रही है ना जी, इसके मैंने बतौर वजीर आजम कई दफा मैं इस मोटरवे पे आया हूं, जब बन रही थी तो हजूर हमने अपने अपने हाथों से इस मोटरवे को बनाया है इंशाल्लाह। अपने हाथों से हम ननकाना साहब की तामीर नौ करेंगे, वादा रहा आपका मेरा इंशाल्लाह। और आपको पता है कि नवाज शरीफ कोई वादा करता है तो फिर वो पूरा करता है, पता है या नहीं पता है? और हम वो वजीर आजम नहीं है, वो नहीं वजीर आजम था मैं, वादा करके तो भूल जाए और उसके बाद यू टर्न पता ना क्या होता है, उधर से जाके फिर इधर वापस आना, यहां से गए फिर उधर से चक्कर लगा के वापस आए, किया कराया कुछ भी नहीं, मुल्क को कौम को तबाह कर दिया, और यू टर्न धोखे पे धोखा, झूठ पे झूठ, वो हमका हमारा शेवा नहीं है। हमारा शेवा है कि ननकाना साहब के लोगों से सच बोलो और फिर अपने वादे को पूरा करो।